अपने अपने काम के लिए सब लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम सुन रहे आए हो, कछु हमारी सुन के दूसरे से सुना दे कर आए आते हैं मनोरंजन के लिए आए। बैठ जाओ, प्यार करिए श्रोता बंधुओं सब। आज के समय सब राजा सही सज के आ रहे हैं, शिशुपाल चंदेरी के सजे हैं। और ध्यान कर ले, शिशुपाल ने तो कोई सोच तो छोड़ो ही ना, ब्याह होता में कहे ना ब्याह घूमते शिशुपाल तैयार भाई पांच लगोटा के चलो पहले हम ही अजवाई। और जिस समय वो नोता काबुल में गया, काबुल के राजा तैयार हुए हैं, जरासिम सजे हैं, शिशुपाल सजे हैं, और अब वो नोता कहां गया? हस्तनापुर। हस्तनापुर जहां महाराज दुर्योधन युवराज थे, तो गंगा पुत्र भीष्म उनके सलाहकार थे। और जिस समय नोता हस्तनापुर गया है, हुआ क्या? सुनो भूप धरी ध्यान, अरे करिए यव बाजू रखिए छाती, भैया के राज कुमार थे नौ तो यहाँ।
तेरी उधर कमंड में कह जा रहा है, अरे ये शरीर में धमाने मारी है, अरे ये शरीर में धमाने मारी है, का तुम दुकान मुनाई पंडवा बने भिखारी है, का तुम दुकान मुनाई पंडवा बने भिखारी है, का तुम दुकान मुनाई पंडवा। सुनो क्या कदाई तुम जानते नहीं जो पांडव अब राजा है और हम राजा और राजन को ब्याह हुए हो और तब राजन की शादी में भिखारी जाएंगे, ऐसा महाराज नहीं होगा। तो आज दुर्योधन ने बात नहीं मानी और उस समय दुर्योधन को बरना बनाया गया है हस्तापुर के भवन में। और देखिए जब बरना बनाते हैं तुम्हारी बड़ी बूढ़ी माताएं चूल्हा के पास की कंकन कैसे हैं, संसार के जितने भी महान महान प्रतापी राजा थे और सब सेना सजा करके ला रहे और महात्मा बता गए थे कर राजन रंग भूमि वही बनवाना जहां मेरा सरोवर है, ताल पर रंग भूमि बनवा लेना। तो आज रंग भूमि तैयार हुई है, संसार के जितने भी बड़े बड़े महान सम्राट थे सबके कैंप लगाए गए हैं और सब राजा अपने अपने आश्रम में जाकर विराजमान हुए। इधर जिस समय दुर्योधन वृंदावन की चला है और जब 5 बजे चौखट में आवाज कुंती के कान में आई, कुंती के कान में आई, बेटा युधिष्ठिर आज गांधारी के भवन में बाजे क्यों बज रहे हैं? भैया तुम्हें मालूम नहीं आज दुर्योधन भैया को विवाह ले जा रहे हो, दुर्योधन भैया बरना बने। कुंती रोई रोगी आज पांडवों की मां को छेक दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधु, ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है लंका कांड में, स्त्री और परिवार ये फिर भी मिल सकते बार बार, शुद्ध विद्यमान हमारे परिवार होने चाहे जब बार होता
श्रोता बंधु, और इधर से चनेरी के चले, चनेरी के जवान सजरे और आपस में कह रहे हैं भैया हमारे तो राजा को नसीब ही है सो है जी कम में जाए क्या होती है ना। लेकिन शिषपाल को मन नहीं माने, मन मानता क्यों नहीं? ध्यान रखना, मन जाए तो जान दे और तन ते मत ना जाए, और मन के संग तन जाए वो जा तो जान दे। हाँ मन बहुत चंचल है, अगर मन जा रहा तो जान दे, मन के संग बन जाए। उस समय श्रोता बंधु, जब सब राजा सज सज के जा रहे थे और जब रंग भूम बनाई महाराज हनुमान ने, हुआ क्या?